सराय अकेले समस्त नगरवासियों को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 22 जनवरी का दिन है और आज अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश आज के इस पावन दिन को राम महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में हमारे प्यारे सराय अकिल को भी नगर के राम भक्तों द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया है। सराय अकिल के सर्राफा व्यापारियों द्वारा आजाद तिराहे पर महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इसी क्रम में नगर के चावल मंडी, गल्ला मंडी, रामलीला मैदान में भी विशेष कार्यक्रम नगर के राम भक्तों द्वारा आयोजित किए गए। सराय अकिल के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी श्री गिरीश दास जी महाराज द्वारा चावल मंडी में आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्री राम की पूजा संपन्न कराई गई। नगर के कांवरिया संघ चौकी कमेटी द्वारा भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में नगर की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नगर के यशस्वी चेयरमैन माननीय श्री अनूप सिंह जी भी अपने सभी सभासदों सहित रामोत्सव में भाव विभोर नजर आए। जय श्री राम के जयकारे से पूरा दिन पूरा नगर गूंजता रहा। नगर प्रशासन ने भी अपनी कड़ी डीढ़ी व्यवस्था के चलते सभी आयोजनों को सकुशल संपन्न कराया। नगर के चेयरमैन अनूप सिंह जी के साथ भाजपा के कोषाध्यक्ष समर रस्तोगी जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर मोदनवाल जी एवं प्रशांत जायसवाल जी मौजूद रहे। हमारा प्यारा भगवा ध्वज शान से लहराया जा रहा है। आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत बैनर दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है, मेरे प्रभु राम आए हैं। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री कृष्ण नारायण रस्तोगी जी एवं सुनील सोनी जी भी खुद को रोक नहीं सके और राम भक्ति में लीन होकर भांगड़े की धुन पर जमकर थिरकते दिखे। और राम भक्ति की राह में सभी राम भक्तों को लेकर अनिल डीजे शान से आगे बढ़ रहा है। रामोत्सव सराय अकिल का यह वीडियो तुषार जी के ब्लॉग्स YouTube चैनल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। धर्म कर्म की नगरी कही जाने वाली नगरी सराय अकिल का यह भव्य रामोत्सव समारोह आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सराय अकिल की ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटे का आइकन भी दबा देना।